राहुल और उसके पिताजी अमर सिंह गांव में एक छोटे किसान हैं जो किसानी करके अपना जीवन चला रहे हैं। बचपन में राहुल की माँ गुजरने के बाद पिताजी ने बड़ी मुसीबतों से राहुल को पढ़ाया और अपनी मेहनत से गांव के बाहर एक प्लॉट भी ले लिया। अरे ये क्या कर रहे हो मेरे प्लॉट पे? अरे ताऊ तेरा ना है ये प्लॉट, वो जो खड़े हैं वो हैं इस प्लॉट के मालिक। क्या बकवास कर रहे हो, ये प्लॉट मेरा है, इसके कागज मेरे पास हैं। ताऊ हमसे मत कुछ है, वो खड़े मालिक उनसे बात कर ले। ठीक है, मालिक से बात करने जा रहा हूँ मैं। उधर से करो चलो। साहब ये मेरी जमीन है जिस पर आप कब्जा कर रहे हैं। अबे ओ बुड्ढे, तेरी सटक गई है क्या? अब ये जमीन मेरी है और अब मैं इसका फार्म हाउस बनाने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो साहब, इस जमीन के पूरे कागज मेरे पास है। साले बुड्ढे, एक बार का तुझे समझ नहीं आता? रुक अभी बताता हूँ तेरी औकात। भाग जा बुड्ढे यहाँ से, नहीं तो यहीं तेरा गला घोट दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन ये जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा। रुको सर। सुल्तान शाही दीपक डान। अरे सर आप क्यों परेशान हो रहे हो, जब मेरे जैसा ताकतवर इंसान है यहाँ पर जिसका शरीर हाड़ मास से नहीं लोहे से बना है। आप चलो, मैं इस बुड्ढे को अच्छी तरह समझाता हूँ। ठीक है दीपक डान, इसे समझा दो। अगर मैं समझाने पर आया तो इसकी साथ पुश्तें याद करेंगी। चलो। सुन बुड्ढे, आज के बाद इस प्लॉट के आसपास मत दिख जाना, नहीं तो ये 24 इंच का डोला तेरे सर पे धर दिया ना तो यहीं दबके मर जाएगा। निकल यहाँ से। काफ़ी देर हो गई, पिताजी प्लॉट से लौटे नहीं हैं। चलो एक बार देख आता हूँ कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए। पिताजी क्या हुआ, आप इस तरह हैं, जमीन पर क्यों बैठे हैं? बेटा कुछ लोग आए थे, वो इस जमीन को अपनी जमीन बता रहे थे और बेटा धमकी देकर गए हैं, अगर हम इस जमीन के आसपास भी आए तो वो हमें मारवा देंगे। अच्छा, लेकिन पिताजी कौन थे वो लोग? गुड्डू भैया अपने दोस्तों के साथ था। आप फिक्र मत करो पिताजी, हम पुलिस के पास जाएंगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। मैं कॉल करके पुलिस को घर पे ही बुला लेता हूँ, फिलहाल आप घर चलिए। ठीक है बेटा। चलिए।
पुलिस के आने के बाद पिताजी और राहुल ने सारी बातें बताई और मदद की गुहार लगाई। आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उनसे, आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे शुक्रिया क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा चलो तुम अपने प्रॉपर्टी कागज दे दो, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। रुको साहब, मैं ला कर दे देता हूँ कागज। चलो ठीक है, कल आ जाना 10 बजे प्लॉट पर, वही फैसला करवा दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, ये है कागज जमीन के। ये कागज है जमीन के, ये देखो, ये कागज है तुम्हारे, ले लो इनको। ये जमीन है तुम्हारी, अब ये मेरी है। तुम सब मिले हो। मैंने तुझे उस दिन छोड़ दिया था, आज बताता हूँ मैं तेरी औकात। अरे तो मर गया बुड्ढा। मर जाने तो साले को, चलो। गुड्डू पंडित, दीपक डॉन, इनको ठिकाने लगा दो। आप टेंशन मत लो, इन दोनों को ठिकाने में लगा के आता हूं। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, ओ शराब, ओ शराब,
ओ पीने वाले तो इसे पीते हैं, सबको पता है ये है शराब। क्या मालिक, इतनी सी आवाज है मालिक, इतनी आवाज तो मेरा मीटर भी नहीं उठेगा। खेचो पियो तू। साला मजा नहीं आ रहा दारू में। अरे दीपक डॉन, आपने पानी पी लिया, शराब नहीं। अरे मुझे नशा हो रहा है अब, तुम दोनों पियो, मैं चलता हूँ, इसे भी दे देना। जी भाई। अभी जिंदा हूँ तो पी ले, अभी जिंदा हूँ तो कौन है बे? किसने मारा मुझे? शायद सपना दिख गया। कौन मार रहा है मुझे? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा यार, कौन मार रहा है मुझे यहाँ? गेट लगा।
मत मारो मुझे प्लीज, मत मारो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, मत मारो मुझे। पिताजी, ये ऐसे अमीर घमंडी लोग कब तक हम जैसे बेचारे गरीबों पर जुल्म करते रहेंगे? बेटा, ये तो चलता आया है हजारों वर्षों से। इन ताकतवर लोगों ने कमजोर लोगों पर जुल्म किए, अमीर लोगों ने गरीबों पर जुल्म किए। बस एक राम राज्य था, जब राम राजा थे तो उन्होंने ना तो जुल्म किए ना किसी पर जुल्म होने दिए। पर पिताजी, ऐसे अमीर घमंडी लोग जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? मिलती है ना, तुझसे किसने कहा नहीं मिलती। हम एक दिन मरते हैं और ऐसे अमीर लोग हर दिन मरते हैं। वो कैसे पिताजी? अपनी आत्मा को मारकर, अपनी इंसानियत को मारकर गरीबों पर जुल्म करते हैं, तो ऐसे लोग कहाँ जिंदा हैं राहुल बेटा। ठीक है पिताजी। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करने वैसी भरने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, इस बार कुछ नया ट्राई किया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो बताना, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, rahul.rana.art। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।